आज बात करेंगे कूलिंग टावर की। कूलिंग टावर क्या होता है और ये किस काम आता है। कूलिंग टावर हमारा कंडेंसर को कोल्ड वाटर की सप्लाई करने के काम आता है। इसको हम एक इमेज से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर है हमारा, और एक कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर और कंडेंसर हमारे पाइपिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये हमारी पाइपिंग है कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच की, जिसमें से वाटर की सप्लाई होती है। जब हमारा वाटर, ये वाटर यहाँ से इस पाइप की हीट को लेते हुए, मीन्स जो हीट एक्सचेंजर का काम करेगा कंडेंसर, स्टीम की हीट को लेते हुए इस पाइप के थ्रू जो हॉट वाटर जाएगा वो यहाँ से स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से, और वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा बेस के ऊपर कूलिंग टावर के। जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे होगा वाटर, जो कूलिंग एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये हॉट वाटर कूल एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कोल्ड वाटर यहाँ पे हमारा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर हम उसको एक पंप की हेल्प से दोबारा से इन पाइपिंग के अंदर सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। हॉट वाटर हमारा यहाँ पे कोल्ड होता रहेगा और ये साइकिल में सप्लाई होती रहेगी। इसको बोलते हैं कूलिंग टावर। ये हमारे तीन तरह के, सबसे पहले तो है टाइप ऑफ कूलिंग टावर नेचुरल। नेचुरल कौन सा होता है? नेचुरल के अंदर आपके पास इस तरह की एक शेल होती है काफ़ी बड़ी। इसके अंदर हमें हाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये काफ़ी हाइट पे होती है, और उसके अंदर क्या है, हमारा एक पाइप लगा होता है जो कंडेंसर से अटैच है, जहाँ से हॉट वाटर आएगा। जब हॉट वाटर इसके अंदर आएगा तो वो स्प्रे करेगा नीचे की तरफ, स्प्रे करेगा और नीचे वो कलेक्ट हो जाएगा। उसी टाइम क्या होगा, एटमोसफियर एयर है जो वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, जो उसके कॉन्टैक्ट में आएगी और उस वाटर को ठंडा कर देगी। यहाँ से एयर ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। इसको नेचुरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जो एटमॉस्फेरिक एयर है हम उसका यूज़ करते हैं हॉट वाटर को कोल्ड करने के लिए। इसी तरह से ये दूसरा टाइप है फोर्स्ड। इसके अंदर सारा अरेंजमेंट सेम टू सेम होगा, यहाँ से वाटर नीचे स्प्रे करेगा, लेकिन जो एयर है वो एटमॉस्फेयर एयर नहीं होगी। हम यहाँ पे एक फ़ैन लगाएंगे जो सप्लाई को, एयर की सप्लाई को बढ़ा देगा और ऊपर की तरफ धकेल देगा। इससे क्या होगा, हमारी एयर की सप्लाई बढ़ेगी और जो वाटर है वो जल्दी से जल्दी ठंडा होकर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट बोलेंगे या फोर्स्ड कूलिंग टावर बोलेंगे। ये फ़ैन की पोजीशन हम यहाँ पे करते हैं। इसी तरह से इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के अंदर क्या होगा, जो एयर है हमारी, सिर्फ हम फैन की पोजीशन को चेंज कर देंगे। फैन को हम सबसे ऊपर टॉप के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, तो एयर को बाहर की तरफ खींचेगा। पानी वैसे ही नीचे स्प्रे करेगा, नीचे स्प्रे करके नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जो ओपनिंग है हमारी, ये एयर ऊपर की तरफ बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे फैन हमने यूज़ किया है। तो इसको हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। फोर्स के अंदर फैन की पोजीशन यहाँ थी नीचे की तरफ, और इंड्यूस्ड के अंदर फैन की पोजीशन यहाँ थी। इनमें यही डिफरेंस है। तो ये थे हमारे कूलिंग टावर, जो हॉट वाटर को ठंडा करने के काम आते हैं, ताकि कंडेंसर के अंदर सप्लाई हमारी जो कोल्ड वाटर की चलती रहे। थैंक यू।